इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो गया आपको? कौन थे वो लोग? नहीं, तुम उन्हें नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक लोग थे। चलिए मैं आपका अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो, मैं मरने से पहले कुछ बयान देना चाहता हूँ। प्लीज, पास में एक पुलिस स्टेशन है, तुम वहां से जल्दी से जाके किसी को ले आओ। लेकिन मैं आपको इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकता हूं? मेरी परवाह मत करो, जाओ, प्लीज जाओ। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए, वहां पुल के नीचे एक इंस्पेक्टर को गोली मार दी। सर चलिए ना, जल्दी करिए ना, मर जाएगा वो। आहिस्ता बोल, सारा शहर जानता है कि मेरा नाम कान सिंह देवड़ा है। किसका खून करके आया? खून मैंने नहीं किया सर, मैंने कुछ गुंडों को खून करते हुए देखा है। वो इंस्पेक्टर मरने से पहले बयान देना चाहता है। बोल, किसका खून करके आया? सर प्लीज सर, जल्दी चलिए ना, मर जाएगा वो। इधर तो हम मर गए तो हे पन घट पे देवड़ा छेड़। चलना किधर? बड़ी रेलवे पुलिया के नीचे। वहां तू क्या कर रहा था? सर मैं तो वहां से घर जा रहा था, तो मैंने कुछ गुंडों को खून करते हुए देख लिया। ओ, खून गुंडों ने किया? और कपड़े तेरे लाल हो गए? साला देवड़ा को उल्लू बनाता, देवड़ा को। सर अब मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो पुलिस की मदद करने आया हूँ। तुम जैसे गुंडों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सर मैं गुंडा नहीं, कॉलेज स्टूडेंट हूँ। भाई साला, देवड़ा के हाथ को पकड़ता, देवड़ा के। साला खून खुद करता और देवड़ा को सफाई देता है? हाथ पांव तोड़कर गले में डाल दूंगा, समझा? इंस्पेक्टर साहब,
आप मेरा यकीन तो करिए, खून मैंने नहीं किया, आप एक बार चल के देखिए तो सही। अरे हाँ, देवला तो ये भूल ही गया। चल इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब देखिए मैं पुलिस को लेकर आ गया हूं। इंस्पेक्टर साहब बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं, बोलिए प्लीज इंस्पेक्टर साहब। मुर्दा ना बोले तो तूने इंस्पेक्टर शर्मा का खून कर ही दिया। खून मैंने नहीं किया, नहीं किया, नहीं नहीं किया, मेरे खून नहीं किया। इंस्पेक्टर शर्मा का खून नहीं किया। क्यों रो, क्या बोलता है? पुलिस से पंगा लेता है। पुलिस से? किशन लगा दे इस पे दफा 302। चल साला इंस्पेक्टर का खून करता है और मुझसे हेकड़ी। सारा शहर जानता है कि मेरा नाम कौन सिंह देवड़ा है, समझो देवड़ा। बोलो, पानी चाहिए? एक फोन करना था, प्लीज इतना सा एहसान कर दीजिए मुझ पर, प्लीज एक फोन। अच्छा देता हूं, ये लो, इससे पहले को जल्लाद आ जाए तुम जल्दी फोन कर लो, जल्दी करो। हेलो, कौन बोल रहा है? विक्रम बोल रहा हूँ। विक्रम, इस टाइम पे? पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? विक्रम, डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। ये तो पुलिस की विक्रम के साथ सरासर जाते हैं, वो कभी खून कर ही नहीं सकता, उसे जान बूझ कर फंसाया था। आप लोग यही रुकिए, हम विक्रम को लेकर आते हैं। विक्रम? किरण? विक्रम घबराओ मत, एडवोकेट साहब तुम्हारी जमानत के पेपर साथ लेके आए हैं, लेकिन तुम्हारी ये हालत, ये खून, ये सब कैसे हो गया? गूंगे और बहरे कानून के रास्ते में आकर अपने को जख्मी कर बैठा। मुझे कत्ल के झूठे इल्जाम में इन लोगों ने बंद कर दिया और जुर्म कबूल ना करने पर मारा पीटा। विक्रम, विक्रम तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं डैडी से बात करूंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। यू डोंट वरी विक्रम। चचन जी, ये भीड़ क्यों लगा रखी है? ये कौन लोग हैं? वकील साहब विक्रम के बेल ऑर्डर लेके आए हैं। विक्रम के बेल ऑर्डर? तुम ये लो और बड़े साहब को देके आओ, जाओ। विक्रम के बेल ऑर्डर? ओहो, वाह। क्या रे? हेलो सर, माय सेल्फ मिस्टर मोगरा, मैं मिस्टर विक्रम का वकील हूँ, और ये रहे मिस्टर विक्रम के बेल ऑर्डर, देख लीजिए। देख रहा हूँ, बाकायदा देख रहा हूँ।
और समझने की कोशिश भी कर रहा हूं। आप हैं मिस्टर एडवोकेट काला कोट और आप उस कातिल की माशूका। इंस्पेक्टर साहब, विक्रम कातिल नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। अरे कैसे छोड़ दूं उसको, उसने इंस्पेक्टर का खून किया है, इसका फैसला अदालत करेगी, उसे फांसी तो होगी होगी। विक्रम कोई ऐरा खेरा नहीं है जो तुम्हारे अंधे और बेलगाम कानून के रास्ते में आकर अपनी जान गंवा बैठे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, इस शहर के सारे स्टूडेंट्स विक्रम के साथ हैं। तू भी कान खोलकर सुन ले कि सारा शहर जानता है कि मेरा नाम कान सिंह देवड़ा है और कान सिंह देवड़ा किसी की गीदड़ भपकियों में आने वाला नहीं, समझी? जाने दो इंस्पेक्टर, ये लो बिल ऑर्डर और मिस्टर विक्रम को छोड़ दो। ये तुम्हारा कोर्ट रूम नहीं है, देवड़ा का पुलिस स्टेशन है और यहाँ देवड़ा का राज चलता है, समझा? ये अपने रज्जी के टुकड़ों को ले जा और जा चला जा यहाँ से। मिस्टर देवड़ा, तुमने ये कागज फेंक के कोर्ट की इंसल्ट की है, मैं तुम पे मुकदमा करूंगा, तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगा। तुमको जो करना कर लो, तुम जैसे वकील मेरी पॉकेट में रहते हैं, समझा? और तुम जैसे फटीचर वकीलों की मैं परवाह भी नहीं करता हूँ। दहला उठा मेरा। हम विक्रम को साथ लेकर जाएंगे, तुम्हें विक्रम को रिहा करना ही पड़ेगा। अगर उस लौंडे को रिहा ना करूँ तो क्या कर लोगी? पुलिस स्टेशन को! पुलिस स्टेशन को! हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? और अगर अब भी तुमने विक्रम को रिहा नहीं किया तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार भी तुम और सिर्फ तुम होगे, मिस्टर कान सिंह देवड़ा। आज का दिन तुम्हारा है लेकिन कल देवड़ा का होगा, देवड़ा का। राम सिंह, उस लौंडे को छोड़ दो। पुलिस की दादागिरी नहीं करेगी, पुलिस की दादागिरी नहीं करेगी। अत्याचार की हद ही कर दी इन पुलिस वालों ने। जब ये लोग एक बेगुनाह पर इतना अत्याचार कर सकते हैं तो गुनेगार अफसर नजर क्या करते होंगे? इन पुलिस वालों को अधिकार दिया किसने? आजादी ने, जिसका जश्न हम सब लोग मनाने जा रहे हैं। आज 15 अगस्त है ना, ये तोहफा मिला है मुझे। लेकिन हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज ही मिनिस्टर के सामने स्टेडियम में एजिटेशन करेंगे। हाँ किरण ठीक कहती है, हम आज काला दिवस मनाएंगे और मंत्री जी को काले झंडे दिखाएंगे। नहीं बाबू, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी सभ्यता और हमारी आजादी का अपमान हो। काला ध्वज फहराकर हम भारत माता के माथे पर काला टीका नहीं लगा सकते, लेकिन मंत्री जी से इस अत्याचार का मतलब जरूर पूछेंगे। मंत्री जी से मतलब तुम पूछते रहना विक्रम, लेकिन हम इस पुलिस स्टेशन को आग लगा देंगे जहाँ पे तुम्हारे साथ ये सब अत्याचार हुआ। अबे ओ विक्रम के चमचो, सारा शहर जानता है कि मेरा नाम कान सिंह देवड़ा। तुम लोगों के साला मुर्दाबाद कहने से कान सिंह मुर्दा नहीं हो जाएगा। अगर इसकी लपलपाती लाल जबान खुल गई तो तुम में से 2-4 मुर्दे जरूर नजर आएंगे, समझे? अब एक बात खामोशी से और गौर से सुन लो, तुम लोग यहां से दफा हो जाओ। अरे विक्रम की औलाद इधर देख। हर 24 घंटों में एक बार तू कान सिंह देवड़ा की अदालत में हाजिरी देगा। दफा हो जाए। साला कान सिंह देवड़ा से पंगा लेते हैं, लल्ले लगा दूंगा लल्ले। आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन है। आज का दिन हमारे भारत के लिए गौरव का दिन है। आज के दिन हम उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी, हमें गुलामी के भंवर से निकालकर आजादी की मंजिल तक पहुंचाया और हमारे इस देश में तिरंगा झंडा लहराया। आओ आज हम सब मिलकर ये कसम खाएं
कि हम इस तिरंगे झंडे का सर कभी किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। हमें अपनी आजादी को बरकरार रखना है, इस देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना है। लेकिन अफसोस कि हम में से ही कुछ ऐसी काली भेड़े भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने फायदे और अपनी कुर्सी के लिए इस देश के टुकड़े टुकड़े करने पर लगे हुए हैं, जाति और धर्म के नाम पर इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, कुछ बाहर की ताकतें हमारे देश को तोड़ने पर लगी हुई हैं। बड़े पैमाने पर हमारे मुल्क में बाहर से हथियार आ रहे हैं। बहुत से लोग कानून तोड़कर हमारी सरहदों में घुस रहे हैं और इस देश में फसाद फैला रहे हैं। हमें उन दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें खत्म करना है। आज का नौजवान ही कल का लीडर है, कल का नेता है, कल का भविष्य है। आप ही में से कल कोई हमारे इस देश की बागडोर को संभालेगा, हमारे इस कानून का रखवाला होगा। इसलिए इस देश की तरक्की के लिए आप हमारा साथ दीजिए, कानून का साथ दीजिए। हम सब आपके साथ हैं। काला कानून, आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, बैठ जाइए। आज के दिन, आज के शुभ दिन 15 अगस्त को आप लोगों को यह हंगामा शोभा नहीं देता। आप लोग यहाँ के विद्यार्थी हैं, तालिबे इल्म हैं, आप इस देश के भविष्य हैं। अगर इस देश में अंधे कानून का बोलबाला रहा तो इस देश के भविष्य का क्या होगा? एसपी साहब, कहाँ से आएगी अमन और शांति? इस देश में अमन और शांति कायम रहेगी, मगर आप लोग कानून का और पुलिस का साथ देंगे। अगर आप लोग कानून और पुलिस का साथ नहीं देंगे तो हम लोग अकेले क्या कर सकते हैं, बताइए? सब कुछ कर सकते हैं, कि सब एक बेगुनाह के सर पर झूठे कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे फांसी पर चढ़ा सकते हैं। आपकी पुलिस को बेरहम कातिलों से रिश्वत लेकर उन्हें फिर से सुन करने का छोड़ देती है। एसपी साहब, आपकी पुलिस तो आपके कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रही है। आपकी पुलिस से मदद मांगने क्या किया आपकी पुलिस ने? मुझे मारा, पीटा, जख्मी किया, सिराकों के पीछे डाल दिया। क्या यही है आपका कानून? एसपी साहब, अगर यही आपकी पुलिस और आपका कानून है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। इस देश का एक एक नौजवान अपनी कलम को छोड़कर हथियार उठाने पे मजबूर हो जाएगा। किरण जी, डैडी। बेटी, वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? वही जो होम मिनिस्टर के सामने जोर शोर से भाषण झाड़ रहा था। वहाँ तो बहुत लड़के थे डैडी, आप किस लड़के की बात कर रहे हैं? भाई वही लड़का, जख्मी लड़का, जिसके साथ आप मरहम बनकर चिपक कर बैठी हुई थी और सारे पुलिस डिपार्टमेंट का पोस्टमार्टम कर रही थी। उसका नाम विक्रम है डैडी, वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। निहायत ही शरीफ और काबिल लड़का है। मैं उसकी डिग्रियां नहीं पूछ रहा। अगर पुलिस वालों से कोई भूल हुई और उसके साथ नाइंसाफी हुई तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। After all, I am the superintendent of police. डैडी, इस देश की हर किरण का बाप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है। मैं आपकी मदद ले सकती थी, लेकिन हम स्टूडेंट्स के पास हर जुल्म से टकराने की ताकत है। What are you saying, किरण? कानून के साथ टकराने का अंजाम क्या होता है ये मालूम है तुम लोगों को? किस कानून की बात कर रहे हैं आप? उस कानून की जिसका इंस्पेक्टर देवड़ा एक अंग है, जो विक्रम जैसे निर्दोषों को फांस कर कानून का मजाक उड़ाता है। डैडी, जब तक आपके पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर देवड़ा जैसे भ्रष्ट अफसर मौजूद हैं, तब तक हम जैसे लोग कानून तोड़ते रहेंगे। Damn it to hell, किरण, तुम अपने डैडी को धमकी दे रही हो? डैडी को नहीं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को। और एक बात और बता दूं, अगर जरूरत पड़ी तो हम कानून से भी टकरा जाएंगे। गुड नाइट डैडी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इंस्पेक्टर देवरा, तुम्हारी वजह से सारा पुलिस डिपार्टमेंट इस शहर में बदनाम हो रहा है। शर्म के मारे हम सबका सर झुका जा रहा है। सर, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। सर, मैंने उस लड़के को खुद इंस्पेक्टर शर्मा का खून करते हुए देखा है सर, और उसने कबूल भी किया है, फिर भी आप मेरी बात नहीं मान रहे सर। मैं झूठ को सच कैसे मान लूं? तुम्हारे खिलाफ शिकायतों का वैसे ही अंबार लगा हुआ है। विक्रम निर्दोष है, उसके खिलाफ केस वापस ले लो।
सर ये आप क्या कह रहे हैं, वो एक खतरनाक गुंडा है, खूनी है और कीप क्वाइट इंस्पेक्टर देवरा। अगर तुम शर्मा का मर्डर केस नहीं सॉल्व कर सकते तो मैं किसी और अफसर को दे दूंगा। यू मे गो नाउ। सर गेट मी द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओहो इंस्पेक्टर देवड़ा, बकवास बंद करो, ये बताओ ढोली किधर है? भाग बादशाह भाग। शाबाश शाबाश। ए ढोली, क्या बात है देवड़ा? अबे ज्यादा हवा में ऊंचा मत उछल, मुंह के बल गिरेगा। देवड़ा ढोली हमेशा ऊंचा ही उछलता है, ऊंचा ही देखता है और ऊंचा ही सोचता है। ये तेरा ऊंचा उछलना, ऊंचा देखना, ऊंचा सोचना खतरा बन गया, नीचे उतर। कैसा खतरा देवड़ा? ढोली ऐसा लगता है जैसे जेल जाने का वक्त आ गया। क्या बकवास कर रहे हो देवड़ा? बकवास नहीं कर रहा हूं। अरे उस उल्लू के पट्टे एसपी ने शर्मा मर्डर केस की फाइल फिर से मंगवा ली और मुझे सख्ती से हिदायत दी है कि अगर मैंने असली कातिल को गिरफ्तार नहीं किया तो यह केस भी मेरे हाथ से निकल जाएगा और हमारे लग जाएंगे। अरे इतनी सी बात के लिए डर रहे हो देवड़ा? वो नागपाल किस मर्ज की दवा है? नमस्कार नमस्कार, आपको हमारा बहुत इंतजार करना पड़ा। अब बैठिए बैठिए बैठो बैठो। अच्छा मिश्रा जी आप वो मीटिंग फिक्स कर दीजिए, वही मुलाकात जी। अच्छा सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर मिनिस्टर, फाइन थैंक यू, हियर इज योर $1 million। मिस्टर जॉन आप तो मुझे $3 million देने वाले थे इस बार। दिस टाइम प्रॉब्लम मिस्टर मिनिस्टर। वाह मिस्टर जॉन वाह, बहुत चतुर हो तुम, बड़ी स्मार्ट हा? लेने को मछली और देने को कांटे। नो 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 मिस्टर मिनिस्टर, हम फुल पेमेंट करेगा, बट इट नीड सम टाइम, दिस टाइम मनी मार्केट वेरी टाइट, डोंट वरी आई विल पे। हाँ ठीक है मिस्टर जॉन, लेकिन एक बात याद रखो, सूखे टुकड़ों पर कभी कौवे नहीं उड़ा करते, आगे से अगर माल चाहिए तो उसकी पेमेंट कैश। ओके पेमेंट कैश डाउन राइट अंडरस्टैंड। ओके नीलम जी सर, थोड़ी सी से ब्राउन शुगर की डिलीवरी दिलवा दो। ओके ओके सर। All right, Mr. John, you can go now. Okay, thank you, Mr. Minister. Okay, bye bye. इसका ख्याल रखना। खन्ना साहब, कैसे हैं आप? कहिए कैसे आना हुआ? एक अड़चन आ गई है हुजूर। कैसी अड़चन? बॉर्डर से हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, बड़ा नुकसान हो रहा है। वजह? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ऑफिसर कुछ ज्यादा ही भौंकने लगा है। ओहो तो मुंह मांगी रकम देकर उसे खरीद लीजिए ना। कई बार कोशिश कर चुका हूं, हर बार काट खाता है। मंत्री जी लगता है ये इंस्पेक्टर पागल हो गया है। और जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे क्या करते हैं? गोली मार देते हैं। आप जाइए खन्ना जी, मैं उसे देख लूंगा, वो भी डंके की चोट पर। अच्छा जाओ, नमस्कार जाओ, नमस्कार जाओ, नमस्कार। हाँ तो रोक, माई बाप मेरे हुजूर, मेरी सरकार। क्या हुआ क्या हुआ? रातों की नींद आराम होगी सरकार। क्या हुआ क्या कर दिया आपकी बात तुमने? मैंने कुछ नहीं किया सरकार, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक हॉस्पिटल बनवाया था सरकार, उसकी छत गिर गई और 8-10 लोग अपनी मौत मरने से पहले ही बेमौत मर गए सरकार। वाह वाह, अरे वारी जाओ इस सादगी पे, वो भी डंके की चोट पे। हुजूर 8-10 साल की जेल हो जाएगी, मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा, मेरा बुढ़ापा। आग से खेलोगे तो अंगारे तो उगलेंगे ही ना। देख लिया नकली शिविर लगाने का अंजाम क्या होता है? खैर अब तुम हमारे चरणों में आ गए हो तो अंजाम ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हारी सजा माफ करवा सकते हैं, लेकिन अगर तुम नागपाल रिलीफ फंड में 20 लाख रुपया रोकड़ा जमा करवा दो तो। दे दिए सरकार, दिए, पर मेरी जान तो बच जाएगी ना सरकार,
रोकड़ी मल, सांप हमेशा टेढ़ा चलता है, लेकिन जब अपनी बिल में जाता है ना तो सीधा जाता है। अरे भाई, जब हमने तुम्हें कह दिया तो समझो कि तुम बच गए। अब जाओ सेठ, अब घर जाओ और घोड़े बेच के सो जा, वो भी डंके की चोट पे। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सरकार मैं जाऊं? चल चल, बस तो जाऊंगा। अरे चलो, ज्यादा चमचा की बात कर। चल भाई बाप। हाँ तो मानसिंह। हुकुम। हाँ तो मानसिंह, वो हमारे काम का क्या हुआ? आपकी फैक्ट्री के लिए जो जमीन आपने देखी थी, उसे उसके मालिक किसी भी कीमत में बेचने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है आपका काम होना मुश्किल है। हमारा काम होना मुश्किल है? नागपाल का काम होना मुश्किल है? वो जमीन किसकी है? माखन चौधरी की। माखन चौधरी कौन है? वही विरोधी पार्टी का सरपंच जिसने इलेक्शन में जूतों का हार पहनाकर आपकी सारे गांव में बेइज्जती की थी। यही है वो माखन चौधरी। अब तो वो जमीन हम किसी भी हालत में लेकर ही रहेंगे। लेकिन वो जमीन सरकार ने उनके फौजी बेटे रामू के नाम कर दी है। सरकार हम खुद हैं, वो जमीन हम किसी भी हालत में लेकर रहेंगे। वो जमीन उनसे हासिल करना बहुत मुश्किल है मंत्री जी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा गांव उनके साथ है, और सुना है उनके बेटे भी बहुत बहादुर हैं। अब ये समझ लो कि चौधरी माखन सिंह और उसके बहादुर बेटों के आखिरी दिन आ गए हैं। ये क्या क्या तूने?
भैया मुझे नहीं मालूम था कि तुम दिन में भी फुलवा के सपने देखते हो। क्या बकरी है तो? भैया मैं बकरी नहीं हूँ, भैया मैं लाली हूँ। अभी जाके बताती हूँ बाबूजी को तुम्हारे प्यार के किस्से। अरे ठहर लाली की बच्ची, ठहर तू, ठहर लाली। अरे ठहर, बता दो ना बाबूजी को। अरे लाली रुक, वो शतार हो गई तू लाली। भाई त्योहार में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए फुलवा के बापू। चौधरी जब तक मैं इस गांव में हूँ किसी बात की कमी नहीं रहेगी। बता दूं, बता दूं, बाबूजी ये रामू भैया है ना, ये फुलवा से बहुत प्यार करते, आप इनकी शादी करा दो। सुन तो सुन। बड़ी शरारती है, जब से ये आया है इसे परेशान किए जा रही दिन रात। भाई फुलवा के बापू, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कोई शुभ मुहूर्त निकाल कर मेरे बेटे और फुलवा का ब्याह करवा दो। तो ठीक है माखन चौधरी, मैं आज ही पंडित के पास जाकर ब्याह की तारीख पक्की करके आता हूँ। वाह वाह क्या बात है। जीते रहो बेटा। आ बेटा बैठो। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, कल घनघोर का त्योहार भी है और विक्रम भी आ रहा है, हमारे लिए तो बेटा दुगनी खुशी की बात है। बाबूजी जीते रहो बेटा, जीते रहो। गांव से बाबूजी की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, हमारे गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती है राधा, बापू ने राधा के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी है। शादी फिक्स कर दी है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे राधा जैसी प्यारी लड़की को देखकर किसका दिमाग खराब नहीं होगा। तो क्या तुम शादी कर लोगे? बाबूजी का हुक्म है तो शादी तो करनी पड़ेगी ना। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, आई लव यू मुझसे कहते हो और शादी किसी और से करना चाहते हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, आज की बात में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे अरे किरण सुनो तो, अरे किरण सुनो तो। आई हेट, ये बदतमीजी नहीं प्यार है। मतलब? मतलब मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? हाँ। कैसा मजाक? बाबूजी ने तो रामू भैया की शादी की बात की थी। अगली तुमसे जुदा होने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। सच? ओ विक्रम आई लव यू, आई लव यू। को काट कोला पीकर विक्रम बोला, रोज रात को हमने एक नया ढक्कन खोला। रमर को काट कोला पीकर विक्रम बोला, रोज रात को हमने एक नया ढक्कन खोला। चल रही पर जल रही तेरे बिन मेरी ये जिंदगी, है क्या मजा जीवन सजा, क्यों प्यार को पैसे से तोला। रमर को का बोला पीकर विक्रम बोला।
कार्यक्रम बोला, रोज रात को हमने एक नया ढक्कन खोला। कर दिल तोड़ कर तुम चल दिए मुझे छोड़कर, मुंह मोड़ कर दिल तोड़ कर तुम चल दिए मुझे छोड़कर, फिर भी है प्यार करूं इंतजार और कहीं ना ये दिल डोला। विक्रम बोला, रोज रात को हमने एक नया ढक्कन खोला। प्रेम डगर चला अगर देना ऐसा हम सफर, अकल हो थोड़ी अकल हो गोरा रंग और घूम रहो सोला। कुछ कुछ विक्रम बोला, रात को एक नया ढक्कन खोला। रमर को का खोला देकर विक्रम बोला, रोज रात को हमने एक नया ढक्कन खोला। Dum 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 dum, bola. Jiggy jiggy dum dum, bola. Jiggy jiggy dum dum, bola. Da 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 da, dhakkan khola. Ra 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 ra, ramar ko ka khola. Dekar Vikram bola. Roz raat ko humne ek naya dhakkan khola. Ramar ko ka khola. Dekar Vikram bola. Roz raat ko humne ek naya. देश की धरती भैया। अरे छोटू, छोटू लगो भैया। अरे मेरे छोटू। अरे छोटू कैसे आ रहे तू? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ भैया। कैप्टन साहब क्या जम रहे हो वर्दी में? लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तेरा तो कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा। अरे क्यों भैया, मैंने क्या किया? अरे पूरे दो महीने से इस गांव में हूँ लेकिन तेरा कुछ पता ही नहीं है। शहर में कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे नहीं भैया, कैसी बात कर रहे, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए गांव आने में देर हो गई। हाँ बाबूजी कह रहे थे कोई पुलिस केस हो गया तेरे पे। हाँ भैया, कत्ल का झूठा इल्जाम लग गया था। अगर एसपी साहब ने मेरी मदद ना की होती तुम्हारा भाई तो लटक गया होता। अरे ऐसे कैसे लटक जाता, तेरे फौजी भाई के होते हुए तेरे पे कोई आंख भी नहीं उठा सकता। जरूरत पड़ी ना एक दिन तेरे लिए जान भी दे दूंगा। अरे भाई क्या कुर्बान हो रहा है एक दूसरे पर, जरा मैं भी तो सुनो। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, वरना इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया था कि बापू छोटा कब आ रहा है, छोटा कब आ रहा है। ले अब आ गया छोटा, बातें कर लेना जी भर के, मगर यहाँ नहीं अंदर चलकर, तुम्हारी छोटी बहन भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। चले बेटा। चौधरी जी आप बड़े किस्मत वाले हैं जो इतने अच्छे बेटे मिले। अरे गंगा सिंह जी ये दोनों मेरे बेटे कहाँ, ये तो मेरे राम लखन। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान ये जोड़ी सदा बनाए रखे। अच्छा नमस्ते। जय राम जी। नमस्ते। चलो उस सुरंग के अंदर एक मोटा कैंडिडेट अटक गया, कैसे निकालूं उसको? मैंने उसके कूले पे पिंच किया करता और वो साला इंस्पेक्टर पूछता ये क्या हो रहा है। भैया बस बहुत असली है तुम दोनों, मैं अकेली रसोई घर में परेशान हो रही हूँ और तुम दोनों यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हो। अरे गप्पे नहीं लड़ाए तो और क्या करें? बताऊं भैया? अरे बता जल्दी बता। भैया फुलवा को मेरी भाभी बनाकर लाओ ना। हाँ भैया लाली ठीक ही तो कह रही है, कल ये ससुराल चली गई तो मेरा खाना कौन बनाएगा। हाँ छोटू ऐसा क्यों नहीं कहते कि तुम्हें भाभी नहीं घर में नौकरानी चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो भैया। अरे बच्चों बहुत बातें हो गई, चलो उठकर खाना खा लो, रात बहुत हो गई और फिर मुझे भी तो भूख लगी और फिर कल गणगौर की तैयारी भी करनी है,
चलो। अरे चल छोटू, पहले खाना फिर उसके बाद गाना। चल इंस्पेक्टर का मरना बहुत जरूरी था देवड़ा, अगर नहीं मरता तो हम सब के सब फंस जाते। वो जरा जरूरत से ज्यादा ही हमारे राज जान चुका था। लेकिन मिनिस्टर जी, वो उल्लू का पट्टा एसपी मुझे रोज ऑफिस में बुलाता है और पूछता है कि केस कहां तक गया। अब मैं क्या जवाब दूं? अगर मैं फंस गया तो समझ लो सब फंस जाएंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मंत्री जी बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना मंत्री जी? डोली, एक काम और करना है। आप काम तो बताओ मिनिस्टर साहब, हो जाएगा। सच
सावा गांव के सरपंच माखन चौधरी के लगाए हुए जख्म अभी तक हमारे सीने में सुलग रहे हैं, और अब उसने हमारी सीमेंट फैक्ट्री के लिए अपनी जमीन देने से भी इनकार कर दिया है। तो उस इनकार को इकरार में कल ही बदल देते हैं। हाँ ढोली, उस जमीन को किसी भी तरीके से हासिल करना होगा। अगर चौधरी उस रास्ते की रुकावट बन जाए तो रास्ता नहीं बदलना, चौधरी को रास्ते से हटा देना, ना होगा बांस ना बचेगी बांसरी। एक बात कहूं? बोल। कल तो फूलुआ और लाली ने घनघोर के मेले में मजा करा दिया। अबे मजे के चक्कर में उस तरह उल्टा सीधा ना फिरा देना। नहीं ये नहीं जी, ये तो मेरा खानदानी धंधा है। हाँ बेटा, तेरे खानदान को भी जानता हूँ मैं। चौधरी जी, पुलिस। बापरे चौधरी जी, मैं तो चला मामला गड़बड़ है। अरे बापरे चौधरी जी, मैं बाद में आता हूँ। चौधरी कौन है इधर? हमारा नाम माखन चौधरी है। सुना है तूने कुछ सरकारी जमीन जबरदस्ती अपने कब्जे में ले रखी है? जी नहीं, वो जमीन तो सरकार ने मेरे फौजी बेटे राम सिंह को दी है। वो जमीन सरकार को वापस चाहिए, समझा माखन चौधरी? ये ले इन कागजों पर दस्तखत कर, या अंगूठा लगा। लेकिन जमीन सरकार लेना क्यों चाहती है वापस? सरकार इस पे सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहती है। अंगूठा लगा वरना टेट में दबा दूंगा। ए इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की वर्दी पहन कर ये गीदड़ भपकी किसी और को देना। मैं जानता हूँ कि ये जमीन सरकार को नहीं नागपाल को चाहिए अपनी सीमेंट की फैक्ट्री लगाने के लिए। भूल गया वो दिन जब इस गाँव वालों ने उसे जूतों का हार पहनाकर इस गाँव से कुत्ते की तरह बेइज्जत करके निकाल दिया था। उसी बेइज्जती का बदला तुझसे लेने आए हैं। चल दस्तखत कर। नहीं, नहीं, हरगिज नहीं। माखन चौधरी टूट सकता है मगर झुक नहीं सकता। मार साले को। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं दस्तखत नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हरगिज क्या बोला? नहीं करेगा दस्तखत? माखन चौधरी दस्तखत नहीं करेगा, नहीं करेगा। सारा शहर जानता है कि मेरा नाम देवड़ा। बाबूजी। इंस्पेक्टर, तुमने मेरे बाबू को मारकर अच्छा नहीं किया। मैं एक फौजी हूं, वर्दी की इज्जत करता हूं। अगर तुम लोगों को अपनी वर्दी की इज्जत करवानी है तो चुपचाप चले जाओ यहां से। माखन चौधरी के बेटे के होते हुए कोई जमीन पर अपने हाथ तो क्या परछाई तक नहीं डाल सकता। अरे जमीन तू तो क्या, तेरा बाप भी देगा। हाँ मेरे आदमी मार बेटा, मार।
क्या मारो उसको। मारो लगे। अब बनेगी सीमेंट फैक्ट्री इसकी जमीन पर। ढोले चलो यमाचन की पगड़ी। Ha ha ha!
रामू 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 देखो उन्होंने बापू को मार डाला रामू रामू उन्होंने लाली को भी मार डाला रामू रामू कुछ बोलते क्यों नहीं रामू रामू लानत है तुम सब पर लानत है उन्होंने तुम्हारी आंखों के सामने लाली को बेइज्जत किया अरे तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी किसी दिन तुम्हारे बहु बेटियों के साथ भी ऐसा ही होगा लाली लाली रास्ता दो लाली बाबू कुछ बोलना बापू बोल देख तेरा छोटा है कुछ बोलना बापू बापू किसने किया ये सब भैया भैया देख मार डाला लाली और बाबू को बोला भैया किसने किया बोला भैया मुझे बता किसने किया बोला बोला भैया एक एक को मार डालूंगा बोला भैया बोला मैं देवड़ा को नहीं छोड़ूंगा मैं देवड़ा को नहीं छोड़ूंगा से पंगा लेता है होगा भैया फिक्र मत कर बस को नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा उसको देवरा अरे छोटे मुझे छोड़ के नहीं जा तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ नहीं छोटे नहीं मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तू कहीं ना जा कहीं ना जा नहीं भैया तुम्हें कुछ नहीं हो सकता बाबूजी तो मुझे छोड़कर चले गए लाली भी चली गई अब तो मुझे छोड़कर चले जाओगे तो अनाथ हो जाऊंगा ना भैया अनाथ हो जाऊंगा मैं नहीं भैया तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते छोटे तुझे जीना है बाबूजी के लिए
लाली के लिए, मेरे लिए नहीं भैया, हमारे सपनों को पूरा करना है। तुझे पढ़ना है, पढ़कर बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। छोटे तू चिंता मत करना, मैं हमेशा तेरे साथ। मेरे भाई की मां डाला उस कानून के रखवाले देवड़ा ने। धीरज रखो। कैसे धीरज रखो एसपी साहब, बताइए मुझे कैसे धीरज रखूं? मेरी बहन की इज्जत लूट ली उन जालिमों ने, मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया मुझे एसपी साहब। हलाक हम तुम्हारे साथ हैं, कानून तुम्हारे साथ है। अंधा है आपका कानून, बंद कर दिया अपने कानून के किताब को। आज के बाद मैं अपना कानून गोद लेगूंगा। विक्रम बेटे, कोई गलत कदम मत उठाना। छोटे जरूरत पड़ी ना, एक दिन मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। तो हिम्मत ना हारना छोटे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। गुनाह मासूम निहत्ते लोगों को मार के तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी हरकतों की वजह से सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। मेरा बस चले तो तुम जैसे अफसरों को मैं गोली से उड़ा दूं। एसपी साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाट? ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट, यू आर नाउ सस्पेंडेड। सारा शहर जानता है कि मेरा नाम कान सिंह देवड़ा है, और कान सिंह देवड़ा को सस्पेंड करना इतना आसान काम नहीं है। एसपी, मेरा एक फोन तुम्हें कुर्सी से उठाकर जमीन पर पटक सकता है, समझे? और इस कुर्सी पर मुझे बिठा सकता है। You shut up! स्पी, बहुत बुरा किया रे, मेरा एक फोन और तेरी गद्दी छिन जाएगी। You are now under arrest, देवड़ा। हरामजादा स्पी, वो नहीं जानता कि जिस खेत की मूली है वो उस खेत के मालिक है हम। उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे खास आदमी देवड़ा को इतनी आसानी से सस्पेंड करके अरेस्ट कर लिया और डकार तक नहीं ली। साला सीधे आंगन में भी टेढ़ा नाचने लगा है। मंत्री जी, आप आंगन टेढ़ा कर दीजिए, वो खुद ब खुद सीधा नाचने लगेगा। मैं सही कह रहा हूँ ना? सांप के फुफकारने से पहले ही उसका सर कुचल देना चाहिए। आप कहें तो आज ही उस हरामजादे एसपी का सर कुचल दूं? नहीं डोली, नहीं, ये सरकारी मामला है, इस गुत्थी को हम खुद सुलझाएंगे। और फिर लोहे को लोहा ही काटता है। जरा और गर्म हो जाने दो उस लोहे को, हमारी एक ही चोट उस हराम सादे को चपटा कर देगी। अब देखना, ये नागपाल ऐसा पासा फेंकेगा
इस सारी की सारी बिसात पलट जाएगी। नंगी, सीएम को फोन लगाओ। देवड़ा, जो जो इल्जामात तुम पर लगाए गए हैं उनकी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? सर, मुझ पर जो जो भी इल्जामात लगाए गए वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है सर, लेकिन वो बोलो बोलो, डरो मत। सर, वो जिस रात को इंस्पेक्टर शर्मा का खून हुआ था उसी रात को एसपी साहब ने मुझे पुलिस स्टेशन में फोन किया था। सर, मैंने फोन किया था? क्या कहा था? सर, इन्होंने मुझे फोन पर कहा कि इंस्पेक्टर शर्मा का खून होते हुए एक लड़के ने देख लिया है, अगर वो थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाए तो उसे फौरन में गिरफ्तार कर लो। सर, सर मैं एक मामूली इंस्पेक्टर सर। ऑल लाइज प्लीज। तो मुझे इन्होंने कहा कि मैं उसे फौरन गिरफ्तार कर लूं, तो मैं क्या करता सर, मजबूरन मुझे उस लड़के को विक्रम को अरेस्ट करना पड़ा सर। झूठ बोल रहा है तू। प्लीज मिस्टर सोलंकी, लेट हिम स्पीक। सर, अगले दिन एसपी साहब की बेटी किरण अपने वकील को लेकर पुलिस स्टेशन में आ गई और उसने विक्रम की जमानत दिलवाई। सर, बात यह है सर कि एसपी साहब की बेटी किरण और विक्रम आपस में प्यार करते हैं सर, और ये एसपी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है सर। सर, एसपी साहब ने मुझे हुक्म दिया कि मैं जैसे भी हो विक्रम का खात्मा कर दूं, उसको कत्ल कर दूं, और इन्होंने मुझे लालच दिया कि ये मुझे बहुत बड़ी रकम देंगे। हुजूर, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये शख्स। मुझे इस वर्दी की कसम है हुजूर, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हुजूर। सर, इन्होंने मुझे यह भी कहा कि मैं कुछ भी करूं मुझ पर कोई आंच नहीं आएगी, ये सब संभाल लेंगे हुजूर। ये सब झूठ बोल रहा है साहब। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। ये उन लोगों का पढ़ाया हुआ सबक दोहरा रहा है जो इस देश के दुश्मन है, जो इंसाफ के दुश्मन है, इंसानियत और कानून के दुश्मन है। और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे खिलाफ एक जाल बिछाया जा रहा है और झूठे इल्जाम मुझ पे लगाए जा रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर्स ने सच को दबा दिया और झूठ को उभार कर ले आए हैं। पुलिस काम करना चाहती है सर, और काम कर भी सकती है, मगर उसको हर कदम पर रोका जाता है। इसलिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे खिलाफ जो झूठी साजिश की गई है उस मकसद में मेरे दुश्मन कामयाब हो गए, और इसलिए मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं। प्लीज एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन। शुक्र करो बेटी,
कि सिर्फ अंधेरा है, अंधेर नहीं। इससे बड़ा अंधेर और क्या होगा डैडी, कि चंद घंटों पहले आप एसपी थे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। आपके कंधों पर फर्ज के सितारे दमक रहे थे, और अब? और अब भी हम मायूस नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मायूसी की दीमक खोखला कर देती है इंसान को, चाट जाती है उसकी सारी जिंदगी को। तो फिर आप अंधेरे में क्यों डैडी, क्यों? रोशनी की किरण तलाश कर रहा था। कहीं आप थक कर तो नहीं बैठ गए डैडी? नहीं बेटी, चलने का नाम है जिंदगी। आज मुझे पहले से भी ज्यादा अपने फर्ज और जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। एहसास होना भी चाहिए डैडी, वरना विक्रम जैसे नौजवानों को टूटने से कौन बचाएगा? वो लोग तो जंग शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। नहीं बेटी, ये जंग सिर्फ विक्रम की नहीं है, मेरी भी है, और इस इंसाफ की जंग में मैं हमेशा तुम दोनों का साथ दूंगा। थैंक यू डैडी। बता बता जल्दी बता। भैया फुलवा को मेरी भाभी बना कर लाओ ना। हाँ भैया, लाली ठीक ही तो कह रही है, कल ये ससुराल चली गई तो मेरा खाना कौन बनाएगा भैया? अरे गंगा सिंह जी, ये दोनों मेरे बेटे कहाँ, ये तो मेरे राम लखन है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान ये जोड़ी सदा बनाए रखे। जरूरत पड़ी ना एक दिन तेरे जान भी दे दूंगा। अरे वो देखो विक्रम। विक्रम, तुम्हारा ये अकेलापन, ये आंसू, ये उदासी हमसे देखी नहीं जाती। हम तुम्हारे दुख में बराबर के साथी हैं विक्रम। बताओ विक्रम, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? बोलो विक्रम। बाबू, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेले रहने से दुख का एहसास बढ़ जाता है विक्रम, हमारे साथ रहो, उठो बैठो, हंसो खेलो। किस दिल से हंसो बोलू, मेरा सब कुछ खत्म हो गया और मैं कुछ नहीं कर सका। हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ विक्रम, हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया दोस्तों, लेकिन मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगा, अंजाम कुछ भी हो। क्या करें यार, हम विक्रम को कैसे समझा सकते हैं? एक आइडिया है मेरे पास, किरण। क्या मतलब? वही है जो उसे समझा सकती है। विक्रम तुम समझते क्यों नहीं हो, बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना बेवकूफी है, नादानी है। तो क्या करूं, क्या करूं मैं? भूल जाऊं अपनी तबाही को, या माफ कर दूं दरिंदों को, या फिर बुजदिली की चादर पहनकर अपने घर के किसी कोने में बैठ जाऊं। विक्रम विक्रम, जोश से नहीं होश से काम लो, कानून अभी इतना अपाहिज नहीं है। अरे है, अपाहिज है, अपाहिज, अपाहिज ही नहीं बेबस भी है यह कानून। आज भी मेरे खानदान का हत्यारा कानून का राशक बना बैठा है। क्या क्या तुम्हारे कानून ने, अरे बेबस है, अपाहिज है यह कानून। प्लीज विक्रम, एक बार कानून से मदद मांग कर तो देखो। विक्रम को कुछ मांगने मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथों में अपना हक छीनने की ताकत है। नहीं विक्रम, छीनने वाले लुटेरे कहलाते हैं, कानून की नजरों में वो मुजरिम होते हैं। किसी पर अविश्वास करने से पहले खुद पर विश्वास करना सीखो बेटे, अपने देश के कायदे कानून पे विश्वास करना सीखो बेटे। विश्वास? हाँ विश्वास, कानून और कायदे पर, उसी कायदे पर जिसका शिकार आप खुद हो गए हैं। अरे आप तो कानून के मुहाफिज थे, एक अंग थे कानून के, और क्या क्या उन लोगों ने आपके साथ बस कानून का नासूस समझकर काट कर फेंक दिया, आपको फेंक दिया, और फिर भी आप मुझे कानून की दुहाइयां दे रहे हैं, क्यों? बोलिए, कोई जवाब है आपके पास? जवाब तुम हो विक्रम। मैं? हाँ, तुम्हें कत्ल के झूठे इल्जाम से बचाने के लिए डैडी ने अपनी ईमानदारी की आहुति दे दी। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं, डैडी पर यह इल्जाम लगाया गया कि तुम्हारे परिवार और शर्मा के कत्ल के जुर्म में इनका हाथ है।
ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बेटे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है उसे तुम पूरा करो। कैसे अंकल? पुलिस में भर्ती होकर। हाँ बेटे, इस तरह तुम्हारे खानदान पे किए हुए हर जुर्म का बदला भी ले सकोगे और मुजरिमों को सजा भी मिल जाएगी। मगर विक्रम, कानून के साए में आगे बढ़ो, जला दो हर बुराई को, फना कर दो हर जुल्म को, और अपने आप को कभी अकेला ना समझना। इस रास्ते के हर मोड़ पे, हर दौर पे, हर कदम पे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विक्रम, ये खामोश रहने का समय नहीं है, फैसला करो। हाँ कह दो। हेलो, हाँ ठीक है, भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हेलो विक्रम, आओ। मिस्टर विक्रम, नाहरगढ़ थाने में सीनियर इंस्पेक्टर की हैसियत से हम तुम्हें भेज रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाओगे। थैंक यू सर, मैं अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ओके, गुड। थैंक यू। हेलो, नारगढ़ पुलिस स्टेशन, देवड़ा देव। हाय जान जानी, एक चले क्या हुकुम साहब। हाय जान जानी जनार्दन, हाय रात की उतरी नहीं, तुम तो साले 5 मिनट में यहाँ हो गए। लौंडिया लेकिन तीखी थी। हाँ कोई नया रिक्रूट आ रहा है भैया। हाँ अरे ऐसे लौंडे लपाड़े तो आते रहते जाते रहते, लेकिन देवड़ा भैया अटल खड़ा है, अटल। हाँ अरे चूहा बना कर रखूंगा। अरे भैया टक टक करते हुए। सकता है देवड़ा? नहीं, तू खूनी है, कातिल है। कातिल मैं नहीं, तू है देवड़ा। मेरे पापू, मेरी बहन और मेरे भाई की चीखें आज तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। उनकी चिता की आग आज तक मेरे सीने में सुलग रही है, और ये आग लगाने वाला तू है देवड़ा। अरे वो तो तेरी तकदीर अच्छी थी जो मेरे हाथ से बच गया, वरना तेरी चिता भी वहीं जल गई होती। चिता किसकी जलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। देख देख देवड़ा, आज तकदीर ने मुझे किस मकाम पर लाकर खड़ा किया है। आज के बाद मैं तुझे पल पल मारूंगा, दिल दिल मारूंगा, और तू घुट घुट कर मरेगा देवड़ा। Shut up! Shut up! Get up and salute me! Get up and salute me! देवड़ा हुकुम देना जानता है, सुनना नहीं जानता। सारा शहर जानता है कि मेरा नाम कान सिंह देवड़ा है, समझे? नहीं, सारा शहर जानता है कि तेरा नाम कान सिंह भड़वा है, जनता का खून चूसने वाले मंत्रियों का भड़वा, कानून और वर्दी का दुश्मन है तू, पुलिस के नाम पे एक बदतमा दाग है तू, इस देश का गद्दार है तू। अरे तू तो भ्रष्ट मंत्रियों के तलवे चाटने वाला कुत्ता है। तूने देवड़ा को थप्पड़ मारा, देवड़ा को थप्पड़ मारा इसने।
जी डैडी। बेटी कहाँ थी आप, इतनी देर से हम आपको बुला रहे हैं। डैडी वो स्टडी कर रही थी। स्टडी कर रही थी? भाई हम भी तो देखें कि आखिर आप क्या स्टडी कर रही थी। दिखाइए दिखाइए ना, दिखाइए सही। अच्छा तो आप ये स्टडी कर रही थी। वैसे इस उम्र में ऐसी स्टडी करना कोई बुरी बात नहीं है। जब हम आपकी उम्र के थे ना, तो हम भी आपकी मम्मी की तस्वीर लेके उसे स्टडी किया करते थे, मगर साथ साथ कोर्स भी स्टडी करते थे। बेटी देखो इम्तिहान करीब है, अब तुम कुछ पढ़ लो। वैसे विक्रम एक बहुत अच्छा लड़का है, हमें यकीन है कि उससे अच्छा दामाद हमें नहीं मिलेगा। Yes, Daddy, you are great. अरे उस विक्रम ने भरे पुलिस स्टेशन में देवड़ा के साथ ऐसे थप्पड़ मारा है। देवड़ा ये थप्पड़ उसने तुम्हारे मुंह पर नहीं मारा है, हमारे मुंह पर मारा है, और ये थप्पड़ उसे बहुत महंगा पड़ेगा। जिस तरह हमने एसपी सोलंकी को दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया था, वैसे ही उसका पत्ता काट देंगे हम। उसका पत्ता तो कट ही जाएगा मिनिस्टर जी, लेकिन अगर शर्मा मर्डर केस की फाइल खुल गई तो हमारे तो लग गए ना। लगता है तुम उससे बहुत डर गए हो देवड़ा। अरे नागपाल वो सांप है जिसका दशा कभी नहीं बच सकता, और अगर बच गया तो मैं सही कह रहा हूं ना। और अगर बच भी गया तो ढोली का ये रामपुरी उसे सीधा यमपुरी पहुंचा देगा। वैसे भी बहुत दिनों से इसने किसी पुलिस वाले का खून नहीं चखा। शाबाश शाबाश। तो ठीक है, बुझा दो इसकी प्यास, इसी में हम सबका भला है। सर मुझे शक हो रहा है कि देवड़ा, ढोली और शेर खान, इनके पीछे कहीं मंत्री नागपाल का हाथ तो नहीं? बिल्कुल उसी का हाथ है, मुझे निकालने में भी उसी का हाथ था, मगर उस तक पहुंच नहीं सकते तुम आसानी से, बहुत ऊंची है उसकी पहुंच। फिर हम क्या करें सर? यही करो कि उसके जो मोहरे हैं ना, ये ढोली, देवड़ा, शेर खान, इनके अड्डे तोड़ फोड़ दो और उनके कारोबार में रुकावटें डाल दो, तो नागपाल खुद ब खुद बौखला के सामने आ जाएगा। मैं आपकी दी हुई वर्दी की कसम खाता हूं सर कि देवराज, ढोली और शेर खान इनकी रातों की नींद हराम कर दूंगा, और वो मंत्री है ना नागपाल, उसके चेहरे से नकाब उतार कर उसको जनता के सामने नंगा कर दूंगा मैं। मगर बेटे बी केयरफुल, वो नागपाल जो है बहुत ही जहरीला सांप है, बहुत ही खतरनाक। खतरों से खेलना अब मेरी आदत बन गई है सर। ढोली तू यहां बैठा है, और उधर इंस्पेक्टर विक्रम ने सारे अड्डे तोड़ दिए और वह तुझे ढूंढ रहा है। विक्रम सादा अपने खानदान की तबाही भूल गया क्या? ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूं। ठीक है मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ, तुम वहां जल्दी आ जाना। ढोली डार्लिंग, तुम इस इंस्पेक्टर को खत्म क्यों नहीं कर देते? तुम ठीक कह रही हो, मैं इस हरामजादे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसके पुरखे तक भी कांप उठेंगे। तुम क्या चाहते हो? बंदर के हाथ में जब आईना आता है तो वो उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर देता है। तुम्हारा यार विक्रम जब से इंस्पेक्टर बना है, लगता है उसकी याददाश्त ने काम करना छोड़ दिया है। उसने मेरे अड्डों को तोड़ना शुरू कर दिया है। शायद वो भूल गया है कि उसके बाप का खून किसने किया था। शायद उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसकी बहन की इज्जत के चिथड़े किसने उड़ाए थे। मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे नहीं, तुम्हारे उस यार इंस्पेक्टर से। आज मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जिसे देखकर उसको एहसास हो जाएगा कि ढोली से दुश्मनी करने का हश्र क्या होता है। शादी ढोली पे हाथ उठाती है, तुझे नहीं छोड़ूंगा।
तेरे यार अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तेरी ये गर्दन दबा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, समझा देना उसे अच्छी तरह से। अगर उसने अपना ये रास्ता नहीं बदला तो खुदा कसम, आज का ये जो छोटा सा सबक है ना, उसे हकीकत बनने में देर नहीं लगेगी। किरण, 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 कौन था वो? कौन था बोलो। बोलो किरण प्लीज। ढोली आया था, वो तुम्हें ढूंढ रहा था। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर तुमने उसके आदमियों को नहीं छोड़ा तो कल आकर मुझे। ढोली, ए ढोली कहाँ है? यहाँ किसकी परमिशन से आया है तू? विक्रम को गुंडों के अड्डे पर आने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती, समझा? टोली कहाँ है? क्या काम है तुझे? टोली और तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ मैं। वारंट है तेरे पास? तेरा वारंट है मेरे पास शेर खान। मारो साले को। Yeah.
विक्रम, तूने शेर खान को मारकर मेरे साथ एक नई जंग शुरू की है। खुदा कसम इस जंग का अंजाम इतना भयानक होगा कि लोग उसे कयामत तक याद रखेंगे। नहीं ढोली, नहीं, सारा शहर जानता है कि मेरा नाम कान सिंह देवड़ा है और कान सिंह देवड़ा अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता। विक्रम की कब्र वर्दी समेत उसी थाने में बनेगी और वो भी आज। भाई जैसा हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे बचाओ मुझे, अरे तुम लोग आराम की खाते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ भाई। चल विक्रम जी, क्या कह रहे तो करो, कोई डरो करे क्या कर रहा है ये। अरे चल, तेरे जैसे लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। चल तुझे बताता हूँ, चल मेरे बच्चा छोटा भैया, चला पड़वा। अरे अरे सुन तो नहीं, मेरे बच्चे में एक बात सुन, मेरी अरे तो बनवा रही, अरे रुकता नहीं, अरे देखे देखे मेरी बात, अरे रुकता नहीं। जहरीले सांप है तेरे पास? मेरे पास बाबूजी सभी जहरीले सांप हैं।
उसे याद रखेंगे। हेलो मोहित सिंह बोल रहा हूँ साहब। हाँ बोलो। एक बहुत बुरी खबर है। क्या है? नवा गांव में कान सिंह देवड़ा मर गया। अच्छा क्या? क्या, 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 क्या क्या बोल रहा है? नापा ने रख लिया साहब, तफ्तीश के लिए गया था। लो ये भी गया, मंत्री जी आपका दूसरा मोहरा भी गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम, चाल तो चलो। मंत्री जी मैं आपकी ये शतरंज के मोहरों की बात नहीं कर रहा हूँ। देवड़ा 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 गया गया, हाँ इस दुनिया से गया। क्या बक रहे हो, क्या वो से? उसे सांपों ने डस लिया है। कहाँ? सावा गांव में। थाने में यही रिपोर्ट दर्ज है, वहां तफ्तीश के लिए गया था, काले नागों ने डस लिया। मैं सब समझ गया टंकी। क्या? ये रिपोर्ट जरूर उस हरामजादे इंस्पेक्टर विक्रम ने लिखवाई होगी। हाँ? मंत्री जी, मंत्री जी, सुना आपने? हाँ भाई हाँ, हमने सब कुछ सुन भी लिया है और सब कुछ समझ भी लिया है, मगर एक बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो, आज के बाद जब तक हम तुम्हें ना बुलाएं हमारे बंगले में नहीं आना। क्यों? अरे भाई हम नेता हैं, जनता के सेवक हैं, और जनता के सेवकों का बदमाशों से क्या वास्ता? वाह बहुत खूब, बहुत खूब। जब हम आपके कहने पर किसी का भी खून कर देते थे, आपके हथियारों से भरे ट्रकों को बॉर्डर से पार करवाते थे, उस वक्त ये बदमाश बदमाश नहीं आपको अपना दोस्त दिखाई देता था, और आज आप हमसे वास्ता ही नहीं रखना चाहते। नेता लोग क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं ये सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। ओहो अरे भाई आज नहीं तो कल इलेक्शन होने वाले हैं, अगर लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरी सीएम की कुर्सी को खतरा पड़ जाएगा और सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा, मुझे कोई वोट भी नहीं देगा। वोट तो तुम्हें पैसे भी कभी नहीं मिले हैं, दिलवाए गए हैं नागपाल। अगर मेरे आदमी बूथ कैप्चरिंग ना करते, जाली वोट नहीं डालते, तो तुम कौड़ी के तीन होकर रह जाते। बहुत बड़े अरमान लेकर मैंने एमए किया था, तूने मुझ जैसे पढ़े लिखे आदमी को गुंडा बना दिया, स्मगलर बना दिया, खूनी बना दिया, कितने निर्दोष लोगों का हत्यारा बना दिया, और खुद एक जहरीले नाक की तरफ फन उठाए कामयाबी की बीन पर आंख बंद करके झूमता रहा। मेरा एक एक दोस्त पुलिस के हाथों मारा गया और तूने कुछ नहीं किया। अरे भाई मैं वही तो करना चाहता हूं। देखो डोली, देवड़ा के बाद तुम्हारी बारी है और मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं खो सकता, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती आदमी। देखो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुम इस शहर से बाहर नहीं गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम मेरी एक बात मानो, थोड़े दिनों के लिए इस शहर से कहीं दूर चले जाओ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें खुद बखुद बुला लूंगा। अरे भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन थोड़े ही। आज तो मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे कुछ हो गया फिर ना तो तू रहेगा और ना ये तेरी कुर्सी। इंस्पेक्टर चौधरी।
बात है डोली डार्लिंग? तुमने मुझे अचानक क्यों बुला लिया? सब ठीक तो है ना? कुछ भी तो ठीक नहीं है नीलम। क्या हुआ? नागपाल को इस बात का यकीन है कि अगर मैं कुछ दिन इस शहर में और रहा तो कानून कभी भी मेरे जरिए उसकी गर्दन तक पहुंच सकता है, इसलिए वो कमीना ये चाहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर बाहर चला जाऊं। तुम ठीक कहते हो डोली, नागपाल एक ऐसा जहरीला नाग है जो दूध पिलाने वाले को कभी भी डस सकता है। इस फाइल में उस कमीने नागपाल का सारा कच्चा चिट्ठा मौजूद है जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है। नीलम, इस फाइल को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत से रखना, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये फाइल कानून के हाथों में सौंप देना। वैसे काफी देर हो चुकी है, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। आओ। डोली, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, नहीं। रास्ता बहुत कठिन है और मंजिल का कुछ पता नहीं। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूं, अगर जिंदा रहा तो जाओ नीलम, संभल कर जाना, अपना ख्याल रखना। फाइल दे दे मुझे। ढोली, चला गोली। देखा, धोली के मरने की खबर फ्रंट पेज पर छपी है। अरे भाई, उसका मरना बहुत जरूरी हो गया था। देखे थे कल उसके तेवर? साला हमें धमकी दे रहा था नागपाल को। अगर उसकी जबान खुल जाती ना तो हमारी सीएम की कुर्सी को खतरा पड़ जाता और आपका सीएम बनने का सपना भी अधूरा रह जाता। हेलो सर, मैं सचिवालय से मिश्रा बोल रहा हूँ। विधानसभा भंग हो गई है क्या? जी हाँ, दिल्ली से आदेश था। नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया मंत्री जी, क्या हो गया? विधान सभा भंग हो गई।
लो ये भी। भाई मेरे बच्चों, ये नेताओं की तो कौम ही अलग होती है, और मैं रहा एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, तो तुम लोग किसी नेता जी को ढूंढो। अंकल हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सच्चा, ईमानदार और इंसाफ पसंद हो, और ये सारी खूबियां तो आप में हैं। डैडी विक्रम ठीक कह रहा है, हम सब ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, आप चुनाव लड़ क्यों नहीं लेते प्लीज डैडी। और अगर हम चुनाव हार गए तो? आप फिक्र मत कीजिए सर, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता आपके साथ में हैं। भाई जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो चलिए हम खड़े हो जाते हैं चुनाव के लिए। सोलंकी साहब जिंदाबाद, सोलंकी साहब जिंदाबाद, सोलंकी साहब जिंदाबाद। उस एसपी की ये मजाल के हमारे सामने इलेक्शन में खड़ा हो गया, वो शायद ये नहीं जानता कि हमारे सामने इलेक्शन में खड़ा होना एक टेढ़ी खीर है। अगर हमने उस एसपी की ईंट से ईंट न बजा दी तो हमारा नाम नागपाल से द्वार पार रख देना। डांगी मंत्री जी, इस शहर के सारे गुंडों को खरीद लो, शहर में जितने उसके पोस्टर लगे सबके सब फाड़ डालो, बूथ कैप्चरिंग करने वालों को धंधे पे लगा दो। जी। इस इलेक्शन को हमें किसी भी हालत में जीतना है। जी। सीएम की कुर्सी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों हम सब लोग यहाँ से मिलकर पार्टी ऑफिस जाएंगे जहाँ सोलंकी साहब से हमारी मुलाकात होने वाली है। सोलंकी साहब के साथ हम लोग गांधी ग्राउंड जाएंगे जहाँ हमारी बहुत बड़ी सभा होने वाली है। वहाँ जाकर हमें पता चलेगा कि हमारी चुनाव की रणनीति क्या होगी, कौन क्या करेगा, किसको क्या करना है। आप लोगों से यही निवेदन किया जाता है कि आप सब लोग साथ में चलकर हमारे साथ तो उस जहरीले इंसान ने राजनीति की घटिया चालें चलनी शुरू कर दी। ऐसी घटिया चालें तो हम भी चल सकते हैं, सिर्फ आपकी वजह से चुप बैठे। एक बार आप हाँ करके तो देखें, फिर देखें उस ससुर का क्या करते हैं। डैडी कारिया साहब ठीक कहते हैं, हमें नागपाल की चालों का जवाब देना ही चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। हमें कानून की इज्जत करनी है, खिलवाड़ नहीं। मैं अभी आईजी से बात करता हूँ। आईजी साहब मैं प्रताप सिंह सोलंकी बोल रहा हूँ, आपके कानून और व्यवस्था का ये सबूत है कि मेरे सामने मेरे सपोर्टर जख्मी हालत में खड़े हुए हैं क्योंकि नागपाल के गुंडों ने उन्हें मारा है और मेरे सारे पोस्टर्स को फाड़ फेंका है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं आईजी साहब, और शायद नागपाल महाभारत उसे काबू में रखिए, वरना हमारी कल की रैली में कोई भी अनर्थ हो सकता है। और एक बात और सुन लीजिए, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं उस नाग की जन्म कुंडली को बदल दूंगा। तू अच्छी तरह जानता है प्रभु कि मैं इज्जत और शोहरत के लिए नहीं बल्कि इन बच्चों की जिद से मजबूर होके ये इलेक्शन लड़ रहा हूं, क्योंकि ये एक अच्छे और सही रास्ते पर है। अब इनकी इज्जत तेरे हाथ में है प्रभु। सुना है हर सच्चाई में आप बसते हैं, मेरे डैडी भी एक सच्चे इंसान हैं, इसलिए हम सब स्टूडेंट्स डैडी के साथ सच्चाई की ये जंग लड़ रहे हैं। हमें निराश मत करना प्रभु।
अरे भाई जी, नाक को ही वोट दीजिए। आइए 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 भाई साहब, वहाँ से पर्ची दे। अरे भाई क्लिप तो नाम तो मोहर लगाई है चाचा जी। नेता जी नमस्कार। सब इंतजाम ठीक ठाक है ना? चिंता मत कीजिए नेताजी, सारा इंतजाम बिल्कुल ठीक है। हमने इतने वोट डलवा दिए हैं कि आपकी जीत निश्चित है। हवा किस तरह चल रही है? अरे सारी ठंडी हवा के झोंके नेताजी की तरफ ही है। अरे नेताजी, मैंने अकेले ने 5,000 जाली वोट डलवा दिए हैं। जाली? गुड 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 गुड। ये कबूतर कहीं नजर नहीं आ रहा? बड़ी कबूतर कहीं बैठकर गुटर गू गुटर गू कर रहा होगा। चलिए सब अपना वोट डालते हैं। चलो चलिए। हाँ आइए 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 सर जी आइए। हाँ तो बच्चों, वोटिंग का ऊंट किस करवट बैठ रहा है? अपने ही करवट बैठेगा सर जी, और उस पर बिठाएंगे कबूतर। चलिए ठप्पा लगाते हैं। ठप्पा लगाने? चलो हम भी अपनी किस्मत का ठप्पा लगा लें। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू माय सन, गॉड ब्लेस। विक्रम, पता नहीं क्या होगा, कुछ डर सा लग रहा है। सच्चाई के रास्ते पर चलते वक्त डरना नहीं चाहिए। फिकर मत करो, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत मुबारक हो एसपी साहब। किस बात की मुबारकबादी? अरे भाई, इलेक्शन जीतोगे तो कम से कम मिनिस्टर तो बन ही जाओगे। गुड लक। से प्रार्थना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग उधर बैठ जाइए। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। देश में सभी विधानसभा चुनाव शांति से संपन्न। प्रधानमंत्री का आज रात 10 बजे राष्ट्र के नाम संदेश। नाहरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कल हुई हिंसक घटनाओं में एक निर्दलीय उम्मीदवार भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक प्रताप सिंह सोलंकी घायल हो गए हैं और 3 लोगों के मारे जाने के भी समाचार मिले हैं। ये तो झूठ बोल रही है। हाँ यार। श्री प्रताप सिंह सोलंकी की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। वोटों की गिनती का काम आज रात शुरू होगा। सभी परिणाम कल तक आने की संभावना है। धन्यवाद। नमस्कार,
आज के चुनाव के मुख्य समाचार। सभी विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू। भूतपूर्व गृह मंत्री श्री भूरेलाल नागपाल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार श्री प्रताप सिंह सोलंकी से दूसरे राउंड में पीछे चल रहे हैं। दूसरे जिलों में जनसेवक पार्टी सभी ऐसा नहीं हो सकता। ये इलेक्शन हमें किसी भी हालत में जीतना है, वो भी दंगे की चोट पर। विधानसभा चुनावों में जनसेवक पार्टी बहुमत की ओर। नाहरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में श्री भूरेलाल नागपाल भारी मतों से विजयी। नहीं हो सकता, ये सरासर बेईमानी है, हमारे साथ धोखा हुआ है। हम सारे शहर को आग लगा देंगे। बहुत बहुत मुबारक हो नागपाल जी, बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। बड़ी नागपाल साहब की, 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 बड़ी नागपाल साहब की। डॉक्टर साहब, डैडी ऑपरेशन कर दिया है, आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। मिस्टर विक्रम, मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की है। Oh no!
हमारी तो लॉटरी लग गई। क्यों डंकी, सारे इंतजाम ठीक है ना? जी हाँ, सारा इंतजाम हो गया है डंकी की चोट पर। हाँ। बस केवल पंडित जी के आने का वेट है। आ गए पंडित जी। ओम प्रसतुम माता चूरी कोटि समय पूरा निर्गुण क्रोधे सर्वे कर श्रोता। आप मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ नागपाल। क्या तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? हैं? बरगुदार, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कई सपनों की ताबीर बहुत भयानक होती है। जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो, मेरे पास वक्त नहीं है। जनता मेरा इंतजार कर रही है, मुझे शपथ लेने जाना है। तुझे शपथ लेने जाना है और मैं ये शपथ लेके आया हूँ कि मैं तुझे मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेने दूंगा। इसे कहते हैं बड़ा घर छोटा समझाना। अरे कोई समझाओ इस बेवकूफ को, कहीं ऐसा ना हो कि छींकते ही इसकी नाक कट जाए। इंस्पेक्टर जाने देना यार, वैसे भी चीफ मिनिस्टर साहब की शपथ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। क्या काय को खाली पीली टाइम का कोटी करता है? क्यों पंडित जी ठीक है कि... ए चमचे, हाँ? तू अपनी खैर मना, ऐसा ना हो कि नागपाल के साथ में तुझे भी कुत्ते की तरह घसीट के ले जाना पड़े। अपनी जबान अपने मुंह में रख, पर नागपाल को डसने में देर नहीं लगती। जा चला जाए यहाँ से, जा। जाऊंगा जरूर नागपाल, लेकिन तुझे साथ लेकर। मगर जरा ये तो बताओ कि एक मुख्यमंत्री को किस जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हो? सरहद पार से हथियार सप्लाई करने और एक ईमानदार पुलिस अफसर शर्मा को कत्ल करवाने के जुर्म में। चाली पोर्ट बूथ कैप्चरिंग और एसपी सोलंकी को कत्ल करवाने के जुर्म में। एक बाप और उसके फौजी बेटे को कत्ल कराने के जुर्म में। और इन सबसे बड़ा जुर्म नागपाल, इस देश से गद्दारी करने के जुर्म में। तुझे और कहां तक सच्चाई का आईना दिखाऊं नागपाल? सीधे पुलिस स्टेशन चलो, मेरे पास और वक्त नहीं है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ नागपाल, दिमाग खराब हो गया है मेरा। 46 साल पहले गांधी जी का भी दिमाग खराब हुआ था और उन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त किया था। वो भी 15 अगस्त का दिन, तो आज भी 15 अगस्त का दिन है जब एक पुलिस ऑफिसर का दिमाग खराब हुआ है। और आज मैं तुझ जैसे भ्रष्ट नेताओं से इस देश को आजाद कराऊंगा। देख नागपाल, देख, इसमें वो सबूत है जो तेरी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। कैसे सबूत? तेरे सारे काले कारनामों के पक्के सबूत इस फाइल में मौजूद है। समाज और कानून में पले हुए सांपों के सर तो मैं कुचल चुका हूं, बस तेरा सर कुचलना बाकी है। अरे तू क्या और तेरी औकात क्या? नागपाल अगर पत्थर को भी डस ले तो उसका कलेजा भी पानी हो जाए। नागपाल, मैं वो सपेरा हूं जो तुझ जैसे नाग को काबू करना अच्छी तरह जानता है। तेरी जबान की बीन मुझे मंत्र मुग्ध नहीं कर सकती। मुझ जैसे नाक पर काबू पाना तेरे पास की बात नहीं है बच्चे। तू नागपाल की कुंडली में फंस चुका है, अब तेरा बचना नामुमकिन है। मानसिंह, काट दो इस सपेरे की जबान, आजाद कर दो इसको इसकी जिंदगी से, लिख दो इसका नाम भी शहीदों में, क्योंकि आज 15 अगस्त है। नागपाल, मैं तुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। दया दृष्टि बनाए रखिए भगवान। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूरेलाल जी नागपाल आपसे दो शब्द कहेंगे। आइए मंत्री जी। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने मुझे अपनी मोहब्बत और अपने प्यार से मुझे अपनी वोटें देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका दिया है। मेरा ये वादा है आपको कि मैं अब आपकी तमाम समस्याएं, तमाम मुश्किलों का हल करूंगा
क्योंकि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं ही मुख्यमंत्री हूं, सारी सरकार मेरी मुट्ठी में है। अरे अरे ये क्या? मैं वादा करता हूँ, मैं गरीबी को हटा दूंगा, मैं आपके साथ हूँ। अरे ये तो आगे बढ़ो। अरे मैं वादा करता हूँ, मैं जो कुछ वादा किया पूरा। अरे ये तो बढ़ता क्या है? अरे आगे कुछ करो। अरे कहाँ पुलिस 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 मुख्यमंत्री तेरे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब एक ही रास्ता बाकी है, वो है मौत का। देखो, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, एक एक को फांसी चढ़ा दूंगा। रुक जाओ, मैं कहता हूँ। देख लो ना बापू, तेरे देश में क्या अनर्थ हो रहा है। एक मुख्यमंत्री की क्या हालत कर रहे हैं ये लोग। इस देश में मुख्यमंत्री के साथ क्या सलूक हो रहा है। देखो, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। मुझे राक्षस से बचाओ बेटी। बच्चा लू, तुमने मुझे अनाथ किया है, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का खून किया है। विक्रम, मत छोड़ना इसे, मारो इसे, छोड़ना नहीं विक्रम। आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, मुझे भी आजाद कर दो। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे भी आजादी दे दो। आजाद करूंगा जरूर, इस देश को, इस समाज को, इस धरती को, तुझे मारने के बाद। देना मुझे बापू, मैंने तुम्हारे अहिंसा परमोधर्म के पाठ को भुला दिया, लेकिन क्या करता मैं? ये लोग कानून को कठपुतली बनाकर नचाते रहे, मजाक उड़ाते रहे कानून का। उठा ली मैंने बंदूक और पवित्र कर दिया धरती मां को, वो भी आज के शुभ दिन पर, 15 अगस्त के दिन। माफ कर देना मुझे बापू। विक्रम चौधरी, तुमने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। राम सिंह, मैं आपका मुजरिम हूं आईजी साहब। अरेस्ट किया।